दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शकों की मांग पर साथ निभाना साथ यह सीजन 2 शुरू हो चुका है। अब इसके दूसरे सीजन का प्रोमो भी लॉन्च हो चुका है, जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए दर्शकों ने अब इस प्यार को क्या नाम दूं के चौथे सीजन की मांग भी कर दी है। और खुशी की बात तो ये है कि इस प्यार को क्या नाम दूं के निर्माताओं ने दर्शकों को नाराज ना करते हुए इसके चौथे सीजन को लॉन्च करने का फैसला ले लिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब तक इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 3 टेलीविजन पर प्रकाशित हो चुका है और अब इसके चौथे सीजन की भी घोषणा हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन के कास्ट भी कंफर्म हो चुके हैं। निर्माताओं का मानना है कि इसके सारे सीजनों में से पहले सीजन को सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई थी, इसलिए निर्माताओं ने इसके पहले सीजन में जो स्टार्स थे उन्हीं को ही कास्ट किया है। दोस्तों, अब तो आप जान चुके होंगे कि इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 4 में कौन कौन से स्टार दिखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले सीजन में अपनी धमाकेदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीते हुए नजर आने वाले अभिनेताओं को इसके चौथे सीजन में कितनी सैलरी मिलेगी या वे एक दिन एपिसोड के लिए कितने रुपए कमाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 4 की स्टार की सैलरी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस प्यार को क्या नाम दूं के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, दलजीत कौर। दोस्तों, दलजीत कौर इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 1 में अर्णव सिंह रायजादा की यानी कि वरुण सोबती की बहन का किरदार निभाते हुए नजर आई थी और इन दोनों की भाई बहन की बॉन्डिंग को देखते हुए निर्माताओं ने इन्हें सीजन 4 में दोबारा शामिल करने का फैसला किया है। और इस सीजन में भी दलजीत कौर को लाने के लिए निर्माताओं ने इन्हें पर एपिसोड 70,000 रुपए देने का फैसला किया है। नंबर 4, दीपाली पंसारे। दीपाली पंसारे ने इस प्यार को क्या नाम दूं के पहले सीजन में अपने धमाकेदार अभिनय से दर्शकों का काफी ज्यादा मनोरंजन किया था। दीपाली पंसारे एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिला था। इन्हीं सबको देखते हुए निर्माताओं ने दीपाली पंसारे को इसके चौथे सीजन में शामिल करने का फैसला लिया है और इनके पर एपिसोड 80,000 देने का भी फैसला किया है। नंबर 3, रूपल पटेल। दोस्तों, सीजन 1 में मनोरमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री उत्कर्ष नेक ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था, जिसके कारण निर्माता चाहते थे कि वह भी सीजन में दोबारा दिखाई दे। लेकिन किसी कारणवश उत्कर्ष नेक ने इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 4 में काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मनोरमा का किरदार निभाने के लिए निर्माताओं ने रूपल पटेल को अप्रोच किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूपल पटेल साथ निभाना साथिया की दिग्गज कलाकार रह चुकी हैं और अब ये इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 4 में दिखाई देंगी और निर्माता इन्हें पर एपिसोड 1,00,000 रुपए देने का फैसला कर चुके हैं। नंबर 2, सनाया ईरानी। दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 1 और सीजन 2 में लीड रोल निभाने वाली अभिनेत्री सनाया ईरानी ने इस कदर दर्शकों के दिल पर राज किया था कि इसके तीसरे सीजन में ना होने के कारणवश दर्शक काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और इसके तीसरे सीजन को कुछ खास पसंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से निर्माताओं ने इसके चौथे सीजन में सनाया ईरानी को दोबारा लाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, सनाया ईरानी इस बार भी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली है और इनको निर्माताओं ने पर एपिसोड 1,50,000 रुपए देने का फैसला लिया है। एक, वरुण सोबती। दोस्तों, इसके तीन सीजनों में लीड रोल निभाने वाले अभिनेता वरुण सोबती को दर्शकों ने काफी ज्यादा प्यार दिया और अब वरुण सोबती सीजन 4 का हिस्सा भी होने वाले है। जी हाँ दोस्तों, इस बार भी हमें वरुण सोबती और सनाया ईरानी की जोड़ी देखने को मिलेगी और इस सीजन में वरुण सोबती को पर एपिसोड 1,70,000 देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 4 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं और इनमें से आपका फेवरेट कलाकार कौन है, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।